और इसीलिए जब मुसीबत आई तो उसने फैसला किया कि वो परमेश्वर से दूर भी जा सकते हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर में आने के बाद बहुत सी मुसीबतों का मैंने सामना किया है, बहुत सी दिक्कतों का मैंने सामना किया है, लेकिन परमेश्वर आपको परखता है कि क्या आपका वो परमेश्वर तभी है जब वो आपको चंगा करे, क्या बीमारी में भी वो आपका परमेश्वर है, क्या आपका वो परमेश्वर तभी है जब आपको फाइनेंशियली बरकत दे या गरीबी में भी वो आपका परमेश्वर है। उन लोगों ने फैसला किया कि जब हम रोटी के घर में रोटी की बहुतायत में जी रहे हैं तब तो वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन जब अकाल पड़ गया हम इस जगह को छोड़कर मुआब को जाएंगे जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ में जो होता है और जो होगा उसमें सिर्फ आपकी आप ही की मर्जी होगी, परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर हमें दे दिया, एक सिस्टम हमें दे दिया। उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, उसने कहा जाओ और जातियों को चेला बनाओ, उसने कहा जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो। लोग बोलते हैं कि अगर परमेश्वर है तो हॉस्पिटल में लोग मरते क्यों हैं? एक विधवा माँ का एक लौता बेटा क्यों मर जाता है? एक यंग लड़की का पति क्यों मर जाता है? ये परमेश्वर ने नहीं किया, ये शैतान ने किया। इसलिए परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों को बोला जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और खुशखबरी का प्रचार करो। इसका मतलब वो आपका काम है जाना, हाँ या ना? इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी है, परमेश्वर ने आप पे छोड़ा हुआ है। आप इस बात को आज अगर समझ जाएंगे कि अगर उसकी जिंदगी का डाउनफॉल उसकी अपनी गलती की वजह से आया, उसकी अपनी जिंदगी में मौत उसकी अपनी गलती की वजह से आई, उसके दोनों बेटे उसकी अपनी गलती की वजह से मरे, उस परमेश्वर ने उन्हें नहीं मारा, परमेश्वर ने नहीं मारा, वो खुद आत्मिक जिंदगी में गिरावट के कारण परमेश्वर से दूर हुए और वो मरे। हालेलुया। आठ आयत में लिखा नियोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा अपने अपने मायके चली जाओ, क्योंकि जो मर गए हैं तुमने उनसे प्यार किया, प्रीति दिखाई, अब यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, यानी जो नियोमी बची थी उसने अपनी दोनों बहुओं को बोला कि अब तुम चली जाओ और नए पति कर लो और मेरे पास से चली जाओ। नियोमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, चाहे मैं कहती भी मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति होता भी तो क्या पुत्र भी होते? तो भी क्या उनके सयाने होने तक तुम आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? मेरी बेटियों ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओपरा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। तब उसने कहा तेरी जेठानी तो अपने लोगों में चली गई, अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर मुझे त्याग या छोड़कर कि मैं लौट जाऊं, जिधर तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू टिके मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सब बोलो आमीन। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां मुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मृत्यु छोड़, और कहीं किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने देखा कि वो मेरे संग चलने को तैयार है तब उसने उससे कुछ ना कहा। वे दोनों चलकर निकली, बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी क्या यह नियोमी है? उसने कहा मुझे नियोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। हालेलुया। क्योंकि नियोमी का मतलब है आनंददायक, लेकिन मारा का मतलब है कड़वा। उसने कहा मुझे आनंददायक मत बोलो, मुझे कड़वा बोलो, मैं नियोमी नहीं रही, मैं मारा हो चुकी हूं, क्योंकि मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने अपने पति को गाइड नहीं किया, मैं अपने पति को बोल नहीं पाई कि ये परमेश्वर के खिलाफ, ये वचन के खिलाफ डिसीजन है। जब तक आप अपने पिता के अंडर में हैं, पिता आपको सुरक्षित रखते हैं, वो आपको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी देते हैं, वो आपकी सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन जब आप अपने घर वालों के खिलाफ हो जाते हैं तो वो बोल देते हैं अखबार में लिखा के कि मेरा बेटा मेरी चला चल संपत्ति से बेदखल मैं करता हूं, अब इसका कोई भी लेना देना मेरे पास नहीं है।